से हम लोग यहाँ पे सब इकट्ठे हुए हैं वो ये है कि सरकार जो भाजपा है, जब इलेक्शन हुए, चुनाव हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम आपको भ्रष्टाचार मुक्त भारत देंगे। कहा था कि नहीं कहा था? पर जब से सरकार बनी है, 4 साल हो गए, हम देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार विरोधी सभी कानूनों पे और सभी संस्थाओं पे, सारे इंस्टीट्यूशंस पे और सारे लॉज पर कॉन्स्टेंटली अटैक हो रहा है, प्रहार हो रहा है। और ये प्रहार और ये अटैक सरकार लगातार कर रही है, कुछ तो संशोधन लाकर कानूनों में, कुछ कानूनों को लागू भी नहीं कर रही है, और वो बाकी बचा कुचा है वो फिर जहाँ पे लोग भ्रष्टाचार के विरोध में खड़े होते हैं वहां पर उनको मारा जा रहा है, दबाया जा रहा है, उनके ऊपर अटैक्स हो रहे हैं। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए और अब जो सरकार ने लेटेस्ट चीज जो ये की है कि जो सूचना का अधिकार कानून है, जिसके बारे में हम सब जानते हैं, हम उसका इस्तेमाल करते हैं और हम नहीं चाहते कि उसमें संशोधन आए, ऐसे कानून को जिसको हम चाहते हैं सशक्त और भी किया जाए, सरकार उसमें संशोधन अब ला रही है। तो सरकार ने अभी कल ही बहुत ही गोपनीय तरीके से पार्लियामेंट में सूचना के अधिकार कानून के संशोधन का बिल एक रख दिया है, और उस संशोधन के बिल से जो हमारे सूचना का अधिकार है वो पूरी तरह से कमजोर होगा, खंडित होगा। तो इन सब चीजों के विरोध में हम आज इकट्ठा हुए हैं। आज की जनसभा का जो ये हमने जनमंच आयोजित किया है, इसके पीछे लक्ष्य यही है कि हम सरकार तक अपनी आवाज उठाएं, पहुंचाएं कि हम नहीं चाहते हैं कि जो सारे भ्रष्टाचार विरोधी कानून हैं उनको आप तोड़े मरोड़े। हम नहीं चाहते कि सूचना के अधिकार कानून के साथ कोई भी छेड़छाड़ की जाए, कि जो शिकायत निवारण का जो कानून है, जो कहा था सरकार ने कि हम, बीजेपी ने कि हम लाएंगे अगर हम सत्ता में आए, वो आज तक कभी नहीं आया, वो भी आना चाहिए। जो हमारी सुरक्षा के लिए, विसल ब्लोअर्स की सुरक्षा के लिए जो कानून 4 साल पहले बना था वो आज तक लागू नहीं किया, सरकार ने एक भी रूल नहीं बनाया उसके लिए, और लोगों की लगातार उनके ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, हत्याएं हो रही है। पिछले एक महीने में ही 3 लोगों की हत्या की गई है बिहार में, आशीष उसके बारे में चर्चा भी करेंगे, और उनके परिवार से भी लोग आए हैं हमें इसके बारे में बताने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम चाहते हैं कि तुरंत लागू हो। लोकपाल की, एक भी लोकपाल की नियुक्ति नहीं हुई, 4 साल हो गए लोकपाल कानून को पास हुए, एक भी लोकपाल की नियुक्ति नहीं हुई है। तो हम ये सब मांगे लेके आज इधर आए हैं। सभी पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाया गया है कि वो आके अपनी बात रखें। अभी पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है तो हमारे पास फोन भी आए हैं कि सेशन कुछ मिनटों में, कुछ आधे घंटे में खत्म होगा, तो वो भी आएंगे हमारे साथ, बात रखेंगे अपनी। हमारी यही मांग है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज बताएं कि क्या जो संशोधन सरकार ला रही है, प्रस्तावित कर रही है कि सूचना के अधिकार कानून में होना चाहिए, क्या वो उसका समर्थन करेंगे कि उसका विरोध करेंगे। तो आके अपनी पार्टी की बात यहाँ पर रखें, जिससे हम भी सुन सके कि सारी पार्टियां क्या मानती हैं। और हमने बीजेपी को भी बुलाया है, हमने बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज को भी बुलाया है जो पार्लियामेंट में है, तो उनका भी हम अभी इंतजार कर रहे हैं। सेशन चल रहा है, पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है, हम सब जानते हैं कि आज पहला दिन है पार्लियामेंट का सेशन का, तो वो वहाँ से भी आएंगे। और हमारे साथ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके बारे में अमृता ने अभी आपको बताया, 10 राज्यों से ज़्यादा से लोग आए हैं आज यहाँ पर जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, ये कहने के लिए कि सूचना के अधिकार कानून में संशोधन नहीं होने चाहिए। मैं बहुत ही छोटे में बता देती हूँ कि सूचना के अधिकार कानून में क्या संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं। पहला संशोधन कि सरकार कह रही है कि जो सूचना आयुक्त हैं, जो सूचना आयोगों के अंदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं, उनका कार्यकाल जो है अब केंद्रीय सरकार तय करे। दूसरी चीज वो कह रहे हैं कि जो उनकी सैलरीज हैं वो भी केंद्रीय सरकार तय करेगी।
अभी जो कानून है सूचना का अधिकार कानून, उसमें जो कार्यकाल है वो कानून में ही लिखा है कि 5 साल तक वो रहेंगे और जब वो रिटायर हो जाए उनकी रिटायरमेंट एज तक, और लिखा है कि उनकी जो सैलरीज है उनका जो औधा है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के जितना होगा, क्योंकि वो इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जितना दिया गया है। तो सरकार सीधी तरह से कानून में संशोधन ला के ये बता रही है कि वो नहीं चाहती कि जो सूचना के आयोग हैं वो इंडिपेंडेंट और स्वतंत्र रूप से चले। क्यों? क्योंकि लोग लगातार सवाल पूछ रहे हैं, लोग सूचना के अधिकार का कानून का इस्तेमाल पूरे देश में कर रहे हैं, सरकार से जवाब मांग रहे हैं। जहां पे एनकाउंटर किलिंग्स हो रही है वहां पे सूचना के अधिकार में जवाब मांगा जा रहा है, जहां पे पॉलिटिकल पार्टी के पास फंडिंग आ रही है वहां पे जवाब मांगा जा रहा है, लोगों को राशन नहीं मिल रहा है तो लोग जवाब मांग रहे हैं, लोगों को पेंशन अस्पतालों में दवाई नहीं मिल रही है तो लोग जवाब मांग रहे हैं, और इससे सरकार परेशान है। तो जब हम अपनी शिकायत या अपील लेके कमीशन में जाते हैं, कमीशन का काम है कि हमें सूचना मिले, और सरकार सोच रही है कि वो किसी तरह से कमीशन को ही दबाए। तो ये जो संशोधन कानून है इसलिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि हमारे जो सूचना के अधिकार दिलाने वाले जो अधिकारी हैं उन्हीं पर दबाव बनाने की कोशिश है कि आप देख लीजिए अगर आप इनकन्वीनियंट ऑर्डर्स देंगे हमारे लिए तो हम आप कितनी देर काम करेंगे और आपकी सैलरी क्या होगी ये तो हम तय करें। तो ये तो डराने वाली बात है, उनको दबाने वाली बात है और हमारे सूचना के अधिकार को दबाने की बात है। तो ये तो संशोधन है जो कि आरटीआई कानून में है, और विसल ब्लोअर का जो कानून है जिसमें कि लिखा गया है कि सुरक्षा होनी चाहिए विसल ब्लोअर्स की, उस कानून को भी संशोधित कर रही है सरकार। उसके लिए तो सरकार ने चुपचाप ला के जो संशोधन बिल है वो लोकसभा में पास भी कर लिया क्योंकि उनकी ब्रूट मेजोरिटी है, और अब वो बिल राज्यसभा में है और वो बिल्कुल विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन कानून जो 2014 में पास हुआ था उसको खंडित करता है, उसको बेकार बनाता है। तो हम ये कह रहे हैं कि अमेंडमेंट नहीं होनी चाहिए विसल ब्लोअर कानून में, और विसल ब्लोअर कानून को तुरंत आप लागू करिए। तो ये भी एक हमारी आज मांग है। तो अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अच्छा एक गाने से शुरू कर सकते हैं और फिर हम सभी की बात भी सुनेंगे, और जैसे जैसे जो भी पार्टी के प्रतिनिधि आते हैं उनकी भी बात सुनेंगे। शंकर जी